सभी भाइयों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अतिथि शिक्षक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिले हैं। उन्हें याद दिलाया गया है कि आपने जो महापंचायत बुलाई थी उसका क्या हुआ, उसके आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। 100% वेतन प्राप्ति के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नवनियुक्त शिक्षकों ने सौंपे ज्ञापन। भोपाल 2018-19 की भर्ती एवं उसके नियुक्ति लेने वाले शिक्षकों के प्रथम वर्ष 70 एवं द्वितीय वर्ष 80% वेतन ही प्राप्त हो रहा है, जबकि विज्ञापन में 100% वेतन देने का उल्लेख है, जिससे उन नए शिक्षकों को प्रतिमाह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। 100% वेतन प्राप्ति की मांगों को लेकर बुधवार को नवनियुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत गौर के नेतृत्व में इन शिक्षकों ने नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से निम्न मांगे की गई हैं। नव नियुक्त शिक्षकों को विज्ञापन अनुसार नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन प्रदान किया जाए। वर्तमान 2018-19 एवं उसके बाद नियुक्ति लेने वाले शिक्षकों को प्रथम वर्ष 70% एवं द्वितीय वर्ष में मात्र 80% वेतन ही प्राप्त हो रहा है। कई जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से आज तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। अद्यतन सभी को शीघ्र वेतन एवं 3 अधिकांश नवनियुक्त शिक्षकों को बिना साला विकल्प अथवा बगैर चॉइस फीलिंग के पदस्थापना दी गई। अतः नवनियुक्त शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण कराने का अवसर प्रदान किया जाए। CM राइस एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों को अन्य स्कूलों में भी स्थानांतरण लेने की सुविधा प्रदान की जाए। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ शिक्षकों के आपस में स्थानांतरण किए जाएं। समस्त रिक्त पदों पर स्थायी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पद वृद्धि के साथ पूर्ण किया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद रंजीत गौर एवं अन्य शिक्षकों ने बताया कि जब छत्तीसगढ़ राज्य में वहाँ की वर्तमान सरकार ने सीधी भर्ती के सभी पदों पर 70% के स्थान पर 100% वेतन देने का आदेश जारी कर दिए हैं, तब हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश भी शीघ्र अति शीघ्र हमारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। ज्ञात हो कि 12 अप्रैल 2023 को नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त शिक्षकों को द्वितीय वर्ष से 100% वेतन देने की घोषणा की थी, जो कि आज तक अधूरी है। और वही मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों ने भी अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। तो तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है दोस्तों। बाकी फिर मिल रहे हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।